मैं डॉक्टर अजय शुक्ला एक नए मिथ के बारे में बात करते हैं। कई लोग ये बात करते हैं कि अरे यार हमने IVF कराया था, IVF में क्या करते हैं हमारे अंडाशय में जितने भी अंडे होते हैं सबको बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके जो है उनको सबको निकाल लेते हैं, जिसको ओवम पिकअप या ऊसाइट रिट्रीवल बोलते हैं। तो जब सारे अंडे निकाल लिए तो हमारे अंडाशय में अंडे बचे ही नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आपके अंडाशय में अंडे हर महीने बनते हैं। आपको जब जब पीरियड आता है आपके अंडकोश में अंडे बनते हैं, जो हर पीरियड के समय में जनरली एक फॉलिकल रप्चर होता है और एक एग रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंसेस आपको नॉर्मल आते रहते हैं। तो 12 साल की उम्र से इन जनरल 12 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक, यानी टोटल 33 साल में, 33 साल का मतलब होता है 396 महीनों में, 396 महीने का मतलब होता है कम से कम 400 से ऊपर आपको, 400 बार से ऊपर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक धर्म होगा। हर बार मासिक धर्म में आपके कुछ कुछ अंडे बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उनमें से एक ही रिलीज होता है। तो आप जब 33 साल 396 महीने, या आप उस तरह से समझ लो कि अब 400-500 बार आपको पूरी लाइफ साइकिल में मेंसेस हो रहा है और हर साइकिल में एग रिलीज हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम IVF करते हैं तो एक साथ ओवरीज को हमने स्टिमुलेट किया और सारे अंडे निकाल लिए। सारे अंडे कभी कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है, ये एक गलत धारणा है। तो प्लीज़ आप इसको दिमाग से निकाल दें कि अगर हमने IVF करा लिया तो हमारे ओवरीज अंडाशय से सारे अंडे बाहर निकाल लिए, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। प्लीज़ इस तरह की बात, ऐसा नहीं होता। मुझसे कोई बात करनी है तो 8417024646 पर मुझे फ़ोन करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। All the very best.